अब बना लिया है तो अब यही खाना पड़ेगा, वरना आधा घंटा हो गया है एंड आई एम स्टिल वॉकिंग। मतलब हॉटपॉट तो मेरे ही है, पहले गया था और आज वापस आया है, तो इसमें कुछ बड़ा है। और ये है एक वीक, उसको एक वीक में शॉर्ट करा है। तो सबसे पहले है डे वन संडे, आज हो चुका है जो, वो हम बता रहे हैं आप लोगों। अस्सलाम वालेकुम, सुबह फ्रेशन अप हो के बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले वेट चेक करते हैं। वेट देख के शर्म आ रही है। इट्स 21 डे चैलेंज का पहला दिन एंड आई थिंक आई एम नॉट रेडी, क्योंकि मुझे खाने का मन कर रहा है कुछ बहुत अच्छा सा। सुबह सुबह भी नाश्ता नहीं करा है, कैसे होगा। जा रहे हैं किचन में, देखें कुछ खाने को क्या मिलता है आज। ये किसका नाश्ता बन रहा है? मेरे लिए? हमने तो कहा भी नहीं था। क्यों, चाय के लिए तुमसे पूछा नहीं था? हमने ये नहीं कहा था, चाय के लिए कहा था कि नहीं? नहीं, अब बना लिया है तो अब यही खाना पड़ेगा, वरना ये आंटी जी मेरी आफत कर देंगी। 30 मिनट्स एरोबिक्स कर ली है और अब हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए 1 घंटा। वैसे तो हम रात में वॉक करते हैं, लेकिन हमने सोचा है पूरा अपना एरोबिक्स एंड वॉक सब कुछ एक ही साथ कर लें। और रात में कभी कभी ये भी हो जाता है, जैसे कभी बाहर चले गए या मूड नहीं हुआ, कोई मेहमान आ गया, तो वो रह जाता है, इसलिए हमने सोचा है अब इसको रोज़ साथ में कर लेंगे सुबह ही। वॉक करते करते अचानक से इतना अच्छा मौसम हो गया, देखो मैं दिखाती हूँ कितने अच्छे क्लाउड्स आ रहे हैं, इतने खूबसूरत क्लाउड्स हो रहे हैं, देख के ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। किसी पार्क में चले जाओ और आराम से बैठ के देखते रहो। आधा घंटा हो गया है एंड आई एम स्टिल वॉकिंग, और आधा घंटा एरोबिक्स करा था, आधा घंटा ये हो गया, अभी आधा घंटा वॉक और बाकी है। और अभी हम इतना थका हुआ नहीं फील कर रहे हैं, क्योंकि हम ये बहुत दिन से कर रहे हैं, मेरी हैबिट में है। अगर आप हमको देख के स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा फर्स्ट डे मत कर रहे, ओके? या पन्नी दे दें, कपड़ा आपके लिए बना रहे हैं, ये जो हमने कल बताया था ना मेरा पार्सल डैमेज्ड आया था बॉडी वॉश, उसका रिटर्न आया है, तो वो भैया ले जा रहे हैं, लीक्ड है पूरा, तो उन्होंने बोला कि इसको कोई कपड़ा दे दो, उसको साफ़ कर लें, तब अपने पैकेट में रखें। और ये हमें मिल गया फ्रेश पीस, तो वो कह रहे थे चेक करके देख लो, भाई हम देख रहे थे यहाँ पे। अभी हो गए मेरे 10,000 के करीब स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, और मेरी वॉक भी कंप्लीट हो गई है, एरोबिक्स कर ली है, सब हो गया है, और अब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। अब हम जा रहे थे खाना खाने, बाकी सब ने तो खा लिया है और हमें देर हो गई है। और ये हॉटपॉट पता है फराज के फ्रेंड के यहाँ से आया है, नहीं मतलब हॉटपॉट तो मेरे ही है, पहले गया था और आज वापस आया है, तो इसमें कुछ बड़ा शानदार सा है। क्या है ये, नाम नहीं पता हमें, लेकिन ये चिकन की कोई रेसिपी लग रही है, इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है देख के, एंड आई एम गोइंग टू हैव दिस, एंड थैंक यू सुफियान फॉर दिस। ये देखिए मम्मी। सो गाइस, हम अपना वर्कआउट करने के बाद खाना खा के सो गए थे, और फिर जब सो के उठे तो 1 घंटे के लिए सो गए थे, और उसके बाद उठ के हमने अपना व्लॉग एडिट करा और आप लोग के साथ शेयर करा, और दुनिया भर की बातें करी, इतने फ़ोन आ रहे थे आज सब रिलेटिव्स के, यू गाइस बी क्वाइट, तो ये लोग कॉन्सेंट्रेशन मेरा तोड़वा देते हैं, क्या बता रहे थे हम। तो फिर हमने अपना ब्लॉग अपलोड कर दिया, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और उसके बाद करते 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 सारा काम, अब बज गए हैं रात के 10, और अब हमने अपना जर्नल रेडी कर लिया है जिसमें सारी मार्किंग्स करेंगे जो अपना 21 डेज का चैलेंज करना है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, शायद आपके लिए भी हेल्पफुल हो, लेकिन मेरे लिए तो ये हमेशा बड़ा हेल्पफुल रहा है, तो हम यही वाला तरीका ट्राई करते हैं। तो इस पेज पे हमने 21 डेज के लिए मार्किंग करी है, और ये है एक वीक, उसको एक वीक में शॉर्ट करा है। तो सबसे पहले है डे 1 संडे, आज हो चुका है जो, वो हम बता रहे हैं आप लोगों को।
सबसे पहले है एरोबिक्स, कैन यू गाइस बी क्वाइट। तो सबसे पहले एरोबिक्स कर ली थी, वॉक भी कर ली थी, 10K steps हो गए थे, और आज शुगर नहीं ली है बिल्कुल भी, नो जंक एंड फास्ट फूड, ये लिखा है नो जंक और फास्ट फूड, तो कुछ भी नहीं खाया है बाहर का। एंड ये अभी बाकी है, वार्म वाटर एट नाइट, मतलब रात में सोने से पहले गर्म पानी पीना है। अब वो किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, या तो ग्रीन टी बना लें, या फिर कोई भी जैसे अजवाइन या अदरक डाल के खौला के पानी वो पी सकते हैं। तो ये अभी करना रह गया है, देन देयर इज हेल्दी डाइट। सो यस, टुडे आई हैड अ वेरी हेल्दी डाइट। इंशाल्लाह कल डे टू है और कल और अच्छे से करेंगे। आज हमने आप लोग के साथ ज़्यादा कुछ डाइट वाला तो नहीं करा है, डाइट वाला कुछ भी आज ज़्यादा, लेकिन अभी हमें अपने लिए ड्रिंक बनाने जा रहे हैं दूध का एज अ डिनर, तो वो हम आप लोग को दिखाते हैं हम कैसे बनाते हैं, और कल से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे हेल्दी रेसिपीज। ले लिया है इसका, अभी हम अपने लिए ड्रिंक बनाएंगे। और आज पता है आज संडे भी था, और संडे होने के बावजूद इतना अच्छा मौसम भी था, और अभी भी लग रहा है बस बारिश होने ही वाली है। कहीं बाहर नहीं गए, कोई हमें ले ही नहीं गया आज, तो हमें गुस्सा आ रही थी, और हमने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करा है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सूरज जलाएंगे। और बस ये देखिए मेरा ड्रिंक हो गया है रेडी, इधर अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको ठंडा कर लेते हैं फिर पियेंगे। इसको लुक दिखा दें आपको, नहीं आ रहा है अभी कैमरा, फ्लिप करके दिखाते हैं। ये है इसका फाइनल लुक। और आज एक्चुअली मेरा ज़्यादा कुछ खाने पीने का मन नहीं था, इसलिए हमने कुछ स्पेशल किया नहीं अपने लिए, और इंशाल्लाह कल से करेंगे तो आप लोग के साथ शेयर करते जाएंगे। इतनी हल्की डाइट नहीं लेनी होगी, लेकिन लेंगे कुछ डिफरेंट चीज़ें, लेकिन जैसे आज की तरह किया है, सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड रहेंगे। ये आप मेरा तेल क्यों लगा रहे हैं? तो मेरा है ना, नाम नहीं लिखा है, लेकिन मेरा अपना वही लगाइए ना, सड़ा वाला पैराशूट। मेरा क्यों लगा रहे हैं? खत्म हो गया। तो जब हम लेके आते हैं तब इतना क्यों कहते हैं? नेम लगाते डैडी अभी कोई कमेंट करेगा बालों के तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा हैं? नहीं थोड़े से रह गए, रुकिए तो थोड़े से रह गए। आपके लिए ला दें क्या ऑलिव ऑयल? नहीं। देखो मम्मी, मम्मी देखो अच्छा लग रहा है, गंगा भी करती है, ठीक है। तो ये है मेरे आज के टोटल स्टेप्स, अराउंड 12,000, जो कि बहुत ही अच्छा है। 10K मेरा टारगेट है, तो टारगेट से थोड़ा सा ऊपर ही रहें वही अच्छा रहेगा, धीरे धीरे इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। सो या दिस इज़ इट। और गाइस इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस आए हैं कि आप आईलाइनर कौन सा यूज़ कर रही हो, सो इट इज़ ऑफ ब्लू हेवन का पेन लाइनर, वो भी हमने इमरजेंसी में अपने बर्थडे वाले दिन ब्लिंकिट से मंगवाया था। सो दिस इज इट, इसका नाम है इंटेंस इजी स्टिक, स्केच पेन स्टाइल का पेन है ये, एंड इस लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है, और ये देखिए मैट फिनिश है इसकी, एंड वन स्ट्रोक में ऐसा कलर आ जाता है इसका। ये है इसका फिनिश, प्राइस इसका एग्जैक्टली नहीं याद है, बट इट वाज अंडर 200, एंड बजट फ्रेंडली तो है ही ये, एंड इसकी क्वालिटी अच्छी है, एंड यू कैन गो फॉर इट। बाय।